हेलो ऑल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पेंट एंड वार्निशेस, दैट इज़ अवर थर्ड चैप्टर. ओके, तो पेंट एंड वार्निशेस में हम सबसे पहले देखेंगे पेंट क्या होता है. आप घर पे या कहीं भी पेंट अप्लाई क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अप्लाइंग द पेंट, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अप्लाइंग द पेंट, कोई बता सकता है मुझे व्हाट आर दैट पर्पसेस. अपना फर्स्ट पर्पस होता है प्रोटेक्शन, अपने बेस मेटल का या अपने सबस्ट्रेट का प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोरोजन. अगर आप किसी मेटल पे पेंटिंग कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो, बेसिकली उसको कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हो, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन. अगेन अगर वुड पे कर रहे हो तो फंगस या इंसेक्ट से उसको बचाने के लिए कर रहे हो. मीन्स अवर फर्स्ट पर्पस इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन. ओके, अगेन हम अगर सेकेंड देखें तो ऑल ऑफ अस जो भी हम घर पे पेंटिंग करते हैं या पेंटिंग का काम निकालते हैं वो बेसिकली किसके लिए होता है, ब्यूटिफिकेशन. किसके लिए होता है, ब्यूटिफिकेशन, मतलब एक प्लीजेंट लुक आने के लिए, एक एस्थेटिकल लुक आने के लिए हम क्या करते हैं, ये पेंटिंग करते हैं, टू गिव प्लीजेंट लुक. यस और नो? तो ये दीज आर द पर्पसेस फॉर अप्लाइंग द पेंट. तो पेंट क्या करता है, आपके सबस्ट्रेट पे क्या करता है, ऐसी एक फिल्म बनाता है. ये सपोज आपका सबस्ट्रेट है तो पेंट क्या करता है, आपके सबस्ट्रेट पे या आपके बेस मेटल पे ऐसी एक फिल्म बनाता है जो कि ओपेक है. कैसी है वो, ओपेक है, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट. ये इसने क्या किया है, इस फिल्म ने आपके सबस्ट्रेट को ढक दिया है, हाइड कर दिया है. मतलब पेंट में क्या होता है, हाइडिंग पावर होता है. ओके, अगेन पेंट क्या करता है, वेरियस टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, जैसे हमने अभी डिस्कस किए. अगर आप कोई मेटल पे ये लगा रहे हो तो कोरोजन के रेजिस्ट करने के लिए लगा रहे हो, अगर वुड पे लगा रहे हो तो फंगस या इंसेक्ट से उसको बचाने के लिए लगा रहे हो. तो ये क्या करता है, वेरियस काइंड ऑफ दैट अटैक फ्रॉम द एनवायरमेंट से, आप अटैक जो होता है उससे आपके सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ये बचाएगा. सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ये बचाएगा. तो बेसिकली पेंट इज व्हाट इज अ ओपेक फिल्म विच अप्लाई ओवर द सरफेस, क्या करेगा, उसको एक एस्थेटिकल लुक देगा और दैट प्रोटेक्ट्स द वेरियस टाइप ऑफ अटैक ऑन दैट द सरफेस, उस सरफेस को बचाएगा वेरियस टाइप ऑफ अटैक से. ओके, तो कोई मुझे बता सकता है ये जो फंक्शंस है पेंट के, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आर देयर, कोरोजन रेजिस्टेंस इज देयर, देन टू गिव एस्थेटिकल लुक या प्लीजेंट लुक है. जब वो पेंट ड्राई होगा तो वो कंटिन्यूस ड्राइंग होना चाहिए उसका, वो फिल्म क्रैक नहीं होना चाहिए या वो पानी से या फंगस से बचना चाहिए. तो इतने सारे अगर उसके काम हैं तो कोई ओनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट और एक इंग्रेडिएंट ये काम पूरे नहीं कर सकता. इसलिए देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट्स आर देयर, उसका अलग अलग काम होता है. तो हम शॉर्टली ये कह सकते हैं पेंट जो हमें पूरा काम देता है वो एक टीम वर्क है. What is mean by teamwork? मतलब जो भी पेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपना काम अगर अच्छे से करेंगे तो हम कह सकते हैं हाँ मैंने जो पेंट अप्लाई किया है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सालों तक चल रहा है या वो कहीं से क्रैक नहीं हुआ है, उसका कलर भी वैसा ही है आफ्टर ओवर द ईयर्स और वो पानी से वगैरह ख़राब नहीं हो रहा है, वो वॉशेबल है. ये सारे जो काम हम उससे चाहते हैं या हम जिससे एक्सपेक्ट करते हैं पेंट से, वो करने के लिए देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द पेंट. ओके, तो वो हम डिस्कस करते हैं. नाउ मेन डिफरेंस, अभी ये दो टॉपिक हम इसमें देख रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन पेंट एंड वार्निश, कोई बता सकता है मुझे? दोनों में भी फिल्म आएगा या लेयर आएगा आपके सबस्ट्रेट पे या आपके बेस मेटल पे जिस पे आप पेंटिंग या वार्निश का कोटिंग करना चाहते हो, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पेंट क्या करता है, ओपेक या फिल्म देता है और वार्निश क्या करता है, यस कोई बता सकता है, ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ फिल्म देता है
वार्निश का जो फिल्म होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेंट के बारे में, व्हाट इज़ द पेंट एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके एग्जांपल्स क्या है और व्हाट आर देयर फंक्शंस। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन और सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश। पेंट प्रोवाइड ओपेक फिनिश ऑन द सबस्ट्रेट और दैट सरफेस ऑन विच इज इट अप्लाइड, एंड वार्निश जनरली वुडन सरफेस पे या वुडन फिनिशिंग में यूज़ किया जाता है, जो कि कैसे लुक देता है, ट्रांसपेरेंट लुक देता है। अभी हम देखेंगे पहले पेंट्स के बारे में, बाद में हम डिस्कस करेंगे वार्निश के बारे में। तो वॉट इज पेंट, पेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक है, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पेंट, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पेंट। क्या लगता है आपको एक गुड पेंट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो सबसे पहला ये होना चाहिए, ईज टू एप्लीकेशन, बहुत इजी से अप्लाई होना चाहिए। देन शुड हैव हाई हाइडिंग पावर, ओके, यस और नो। देन इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंस, ओके, इट शुड बी हीट रेजिस्टेंट, है ना। मतलब जब भी हम एक पेंट करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है। द पेंट शुड फॉर्म नॉन पोरस फिल्म, मतलब आफ्टर ड्राइंग जो भी फिल्म फॉर्म होगा वो कैसे होना चाहिए, शुड फॉर्म नॉन पोरस फिल्म, ग्लॉसी होना चाहिए, मतलब चमकना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम एक अच्छे पेंट से चाहते हैं, ओके। तो इसके लिए देर आर वेरियस काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे हमने बात की, बहुत अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे होते हैं, उसके हम एग्जांपल्स और उसके फंक्शंस देखते हैं और वो याद कैसे रखना है मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उसका, ओके। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पेंट। अगेन हम लिख सकते हैं, इट कैन रेजिस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसने रेजिस्ट करना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, ओके, दीज आर ऑल द कोरोजन रेजिस्टेंट, दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पेंट। अच्छे से इजीली अप्लाई होना चाहिए, इज टू अप्लाई, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो ये इतना नोट कर लो आप। सो मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट लिखा है, तो ये मैं पढ़ती हूँ आपको याद रखने के लिए, ये मैंने बनाया है। मिस्टर पी गोज टू डॉक्टर थीन, डॉक्टर एक्सटेंड प्लास्टर, ओके, तो इससे याद हो जाएगा आपको व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट। तो पिग से ये अपने काम का नहीं है, जो भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं उतने ही आपके काम के हैं। तो अगर इफ़ वी कैलकुलेट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दीज आर द 6 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, तो इससे आपको याद हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड करती हूँ इसको, पिग फॉर पिगमेंट्स, जो भी कलर होता है पेंट का, जिससे भी हमें एस्थेटिकल लुक मिलता है या जिस अट्रैक्टिव कलर के लिए हम पेंट अप्लाई करते हैं, वो कलर हमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलता है, पिगमेंट से मिलता है। मतलब पिगमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है व्हाट, ऑपेसिटी एंड कलर टू द पेंट, ओके। क्या करेगा ये, कलर प्रोवाइड करेगा और ऑपेसिटी, जो भी हाइडिंग पावर होता है ये किसकी वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से होता है। अगेन ये क्या करेगा, यूवी रेज से बचाएगा, इट रेस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेज टू दैट द सबस्ट्रेट, तब वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे पिगमेंट की वजह से, ओके। और हम कह सकते हैं अभी सेकेंड के लिए डॉक्टर, ये वाला डॉक्टर जो है, ये है अपना ड्राइंग ऑयल, क्या है ये, ड्राइंग ऑयल। तो ड्राइंग ऑयल क्या करता है, दिस इज द मेन फिल्म फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, दिस इज द मेन फिल्म फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो भी फिल्म बनेगा पेंट का, तो ये मेन्स कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा इसमें, ड्राइंग ऑयल,
ओके मैं एग्जांपल देती हूँ आगे कि कौन से टाइप के एग्जांपल इसमें हर एक में है। पहले ये सेंटेंस का हम मीनिंग समझ लेते हैं। ड्राइंग ऑयल, समझ में आया? ये हो गया अपना डॉक्टर। पिग से पिगमेंट गोज टू डॉक्टर, ये हो गया अपना ड्राइंग ऑयल। देन डॉक्टर थीन है ना, डॉक्टर थीन हो गया अपना थीनर। तो थीनर इज वॉट, अभी गर्ल्स को पता होगा जब भी नेल पॉलिश थोड़ा सा विस्कस होता है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है या हम अप्लाई नहीं कर सकते नेल्स में, तो हम उसमें थीनर डालते हैं। थीनर इज वॉट, स्पिरिट डाला जाता है या एसीटोन है ये डाला जाता है, एल्कोहल, तो दैट इज़ वॉट थीनर। तो थीनर क्या करता है, आपको वो अप्लाई करने के लिए मदद करता है, मतलब इट हेल्प्स टू अप्लाई द पेंट ऑन द सरफेस। थीनर क्या करेगा, पेंट अप्लाई करने के लिए मदद करेगा ओवर द सरफेस। आफ्टर क्या होता है, ये फिल्म अप्लाई करने के बाद थीनर हमेशा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो थीनर इवेपोरेट होने से क्या हो जाएगा, उसको क्विक ड्राइंग मिल जाएगा। जो भी आप फिल्म या जो भी कोटिंग या जो भी लेयर सबस्ट्रेट पे लगाओगे, वो ड्राई करने के लिए, उसकी ड्राइंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए थीनर हमेशा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ओके तो ये हो गया अपना डॉक्टर थीन। अगेन डॉक्टर एक्सटेंड, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो डॉक्टर एक्सटेंड प्लास्टर है ना। तो यहाँ पे इसके बाद में आएगा ड्रायर, क्या आएगा इसके बाद में, ड्रायर। तो ड्रायर आर वॉट, आपको पता है जब भी आप फिल्म लगाते हो तो उसका ड्राइंग के लिए समय देना पड़ता है आपको, है ना। जल्दी से ये यूज़ नहीं कर सकते पेंट हम, वो ड्राई होने के लिए समय देना पड़ता है। तो ड्रायर क्या करते हैं, दे कैरीज ऑक्सीजन, दे हेल्प टू ड्राई द फिल्म, मतलब एज अ कैटालिस्ट उसमें काम करते हैं ये। ओके नहीं तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ड्राइंग वो फिल्म क्रैक हो गई तो कुछ मतलब नहीं ना इतना पेंट लगाने से। सो ड्रायर क्या करता है, ड्रायर का फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, इट्स एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर कैटालिस्ट। इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन कैरियर कैटालिस्ट, मतलब ये क्या करेगा, उस फिल्म को ड्राई करने में मदद करेगा बाय ऑक्सीडेशन, इवेपोरेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो ये सारे रिएक्शन करके वो क्या करता है, उसकी ड्राइंग क्वालिटी बढ़ाता है, उसको क्रैक होने नहीं देता है। उस वो फिल्म कैसे रहता है, कंटिन्यूअस नॉन पोरस टाइप का उसमें फिल्म बनेगा, तो सो दैट द सबस्ट्रेट मटेरियल विल बी सेव्ड, और अपना जो पर्पज़ है पेंट लगाने का वो क्लियर हो जाएगा। ओके तो ये है अपना डॉक्टर चौथा वाला। अपना फिफ्थ वन है, डॉक्टर हो गया एक्सटेंड। तो एक्सटेंड से है होगा ये एक्सटेंडर, एक्सटेंडर या इसको फिलर भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ पेंट रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये इसको कलर नहीं होता, मतलब इट डजंट प्रोवाइड कलर टू द पेंट, लेकिन क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, पेंट का वो जो पिगमेंट का वॉल्यूम है वो बढ़ाने के लिए एक्सटेंडर का यूज़ किया जाता है। तो बेसिक फंक्शन ऑफ दैट एक्सटेंडर इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ पेंट मतलब जो आपका पेंटिंग का खर्चा है, ये एक्सटेंडर से क्या हो जाएगा, फिलर से थोड़ा बहुत बच जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, एक्सटेंडर वहाँ पे जो पिगमेंट जब भी आप लगाएंगे पेंट पे, जब भी पिगमेंट डालेंगे तो वहाँ पे जो वॉइड्स क्लियर होंगे, वॉइड्स मीन गैप जो क्लियर होंगे उस पार्टिकल में, वो फिलअप करके क्या करता है, उसका वॉल्यूम एक्सटेंड करता है वो, कौन, एक्सटेंडर। ओके इसलिए इसको एक्सटेंडर या फिलर नाम दिया जाता है। बेसिक काम है इसका टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द पेंट, इट विल हेल्प टू द ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ दैट पिगमेंट और ऑफ दैट पेंट। ओके तो ये क्या करेगा, एक्सटेंडर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पेंट, अगेन ड्राइंग क्वालिटी, ये क्वालिटी जो फिल्म का ड्राइंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेगा, इट हेल्प टू
इम्प्रूव, ड्राइंग क्वालिटी मीन्स ये क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा ड्राइंग के लिए, तो वो क्रैक नहीं होगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो क्रैक ना हो इसलिए ये मदद करेगा। ये हो गया अपना डॉक्टर एक्सटेंट। देन प्लास्टर से है प्लास्टिसाइजर, प्लास्टर से हो गया प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर ऑब्वियसली इसके नाम में ही है प्लास्टिसिटी, तो क्या देंगे पेन को, क्या देंगे ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, तो इसलिए ये पेंट क्या होगा, क्रैक नहीं होगा और अच्छे से स्मूथ एंड यूनिफॉर्म कोटिंग आपके मेटल पे या जो भी सब्सट्रेट है उस पे आएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाय द यूज ऑफ दिस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आप आपका पेंट जो है अच्छे से काम कर सकता है। तो दिस इज द सेंटेंस, आपको क्या देगा कॉन्स्टिट्यूएंट पेंट, ऐसे याद रखना नहीं होता इसलिए मैंने ये लाइन बनाया है, मिस्टर पिक गोज टू डॉक्टर थीन, डॉक्टर एक्सटेंड द प्लास्टर। ओके, आपको थोड़ा फनी लगे शायद, लेकिन आप इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेन, मिस्टर पिक गोज टू डॉक्टर थीन, डॉक्टर एक्सटेंड द प्लास्टर। ये हमने एक्सटेंड किया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेन, हमने वर्क देखा है उसका कि क्या क्या वर्किंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट तो क्या करता है, कलर देता है हमें। तो दिस टाइप के ये सभी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जितना हो सके। वाइट लीड वगैरह ये इसमें MCQ आते हैं, इसमें से कौन सा थीनर है या इसमें से कौन सा ड्राइंग ऑयल है या इसमें से कौन सा ड्राइंग ऑयल नहीं है, तो इस तरीके से MCQ में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में ही रखना पड़ेगा, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट्स। ओके, सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग करके या उसका टैबुलर फॉर्म कुछ क्रिएट करके याद रखने की कोशिश करो तो ये अच्छे से हो जाएगा आपका MCQ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम देखते हैं वार्निश, आपने इतना नोट कर लेना है। सो वार्निश इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस विस्कस लिक्विड प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग नेचुरल रेजिन और सिंथेटिक रेजिन इन ड्राइंग ऑयल और थिनर और इन बोथ। मतलब जब भी आप वार्निश लगाओगे तो जो वुडन सरफेस होगा वो कैसे होगा, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। कैसे होगा ये, दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। नाउ जैसे पेंट में हम क्या करते हैं, पिगमेंट आपको कलर देता है ना, तो यहाँ पे पिगमेंट नहीं होता। देर आर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट, जैसे हमने पहले देखा यहाँ पे, तो वार्निश किस में बनता है, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन ड्राइंग ऑयल और थिनर और इन बोथ। मतलब दो टाइप के वार्निश होते हैं, ओलियोरेजिनस वैक्सिंग वार्निश एंड सेकेंड वन इज स्पिरिट वार्निश। तो स्पिरिट वार्निश में ओनली थिनर इज देयर, उसमें क्या होगा थिनर इज देयर, और ओलियोरेजिनस वैक्सीन में क्या होता है, रेजिन रहता है, ड्राइंग ऑयल रहता है और थिनर भी रहता है। ओके, तो दिस इज द वार्निश। तो वार्निश दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ वार्निश इज टू, फर्स्ट वन इज ओलियोरेजिनस वैक्सीन, तो इसमें होता है नेचुरल रेजिन और सिंथेटिक रेजिन, नेचुरल रेजिन प्लस होगा ड्राइंग ऑयल एंड क्या होगा थिनर भी रहता है इसमें। ओके, तो एग्जांपल आता है आपको ओलियोरेजिनस वैक्सीन के लिए, कोपल रेजिन है ये वार्निश बनाने के लिए, ड्राइंग ऑयल होता है इसमें लिनसीड ऑयल एंड थिनर होता है टर्पेंटाइन। ओके, तो ये फिल्म ड्राई होने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ऑयल इज देयर। ये यहाँ पे जो थिनर है ये क्या करेगा, फिल्म अप्लाई करने के लिए मदद करेगा वहाँ पे, और ये इवेपोरेट हो जाएगा और क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टिव फिल्म उस वुड पे देगा।
ओके, ये टाइप का फिल्म ड्राई होने में नियर अबाउट 24 आवर्स लग जाते हैं, तो यह ओलियो रेजिनस वार्निश। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। दिस इज अ प्लांट रेजिन, ये प्लांट रेजिन है कोपर वार्निश, ये हो गया ड्राइंग ऑइल, ये है रेजिन एंड दिस इज अ थिनर। देन सेकेंड वन इज द स्पिरिट वार्निश, सेकेंड वन इज द स्पिरिट वार्निश। तो स्पिरिट वार्निश में क्या होता है, ओनली थिनर इज देयर, तो यहाँ पे होगा रेजिन एंड ओनली थिनर इज देयर। तो दिस टाइप ऑफ वार्निश फिल्म विल ड्राई क्विकली, क्योंकि जैसे ही इवेपोरेट हो जाता है ये सॉल्वेंट या थिनर इवेपोरेट हो जाएगा, ये फिल्म क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। सो आपको इसका भी एग्जाम्पल याद में रखना है, शेलैक रेजिन इन अल्कोहल। तो बेसिकली शेलैक इज व्हाट, इट इज अ प्लांट रेजिन, इज सीक्रेटेड बाय लैक बग फीमेल इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड। बेसिकली जो नेचुरल रेजिन होते हैं ये प्लांट से या इससे क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, और सिंथेटिक रेजिन है ऑब्वियसली वो कैसे है, बनाए जाते हैं। तो ये है सब रेजिन। तो रेजिन वार्निश और पेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, पेंट में रेजिन नहीं होता, वार्निश में रेजिन होता है। ओके, पेंट ओपेक फिल्म देता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वार्निश क्या करता है, ट्रांसपेरेंट फिल्म देता है। अगेन क्या कह सकते हो आप, पेंट में कॉमन थिंग अगर देखें तो थिनर दोनों में भी है, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर इन पेंट एंड थिनर, इस टाइप के एमसीक्यू आप देख सकते हो। और आपको अभी फाइनल इसमें देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वार्निश एंड पेंट। तो बेसिक वन डिफरेंस हो गया डेफिनेशन में, उसका डेफिनेशन होता है मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ वन और मोर पिगमेंट इन द व्हीकल, व्हीकल मतलब ड्राइंग ऑयल एंड द थिनर जो हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखे हैं। तो जो ड्राइंग ऑयल होता है उसको बाइंडिंग कैपेसिटी देता है पिगमेंट को, प्लास्टिसाइजर जैसे एडिटिव्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को उस कॉन्स्टिट्यूएंट को पेंट में बांध के रखते हैं। ओके, और वार्निश में क्या होता है, थिनर जो है ड्राइंग ऑयल क्यों डाला जाता है, क्योंकि ब्रिटलनेस जो है नेचुरल रेजिन के फिल्म का वो बढ़ाने के लिए या जो इम्प्रूव करने के लिए, जो ब्रिटलनेस है वो कम करने के लिए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ड्राइंग ऑयल डाला जाता है वार्निशेस में। तो ट्रांसपेरेंट हो गया वार्निश, ओपेक हो गया, ये पिगमेंट उसमें है, उसमें रेजिन है, ये जनरली पेंट मेटल सरफेस पे या वुड पे भी यूज किए जा सकते हैं, और वार्निश ओनली अप्लाई ऑन द वुड सरफेस बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, अपना सबस्ट्रेट जो है वहाँ से हम उसको देख पाते हैं, इसलिए पेंट में हाइडिंग पावर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पेंट एंड वार्निश, उसका एक डिफरेंस जो है उसके पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। So we can write the difference between paint and varnishes as, first हो गया definition, then pigment, paint contains pigment, it contains resin, जो film produce करेगा surface पे वो कैसे रहेगा, opaque रहेगा, ये कैसे film रहेगा, transparent रहेगा, एप्लॉयड ऑन वुडन एंड मेटल सर्फेसेस, एप्लॉयड ऑन ओनली वुडन सर्फेसेस, और पेंट में क्या रहेगा, पिगमेंट रहेगा, ड्राइंग ऑयल रहेगा, थिनर रहेगा, तीनों रहेंगे ही, लेकिन वार्निश में क्या होता है, आइदर ऑयल रहता है या थिनर रहता है, दोनों भी रहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पेंट एंड वार्निश, होप आपको समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू।